हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपको नी पेन के लिए कुछ और एक्सरसाइज बता रही हूँ। बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो सिर्फ एक्टिविटीज है, एक्शन है। आप चेयर की मदद से भी कर सकते हैं, विदाउट चेयर भी कर सकते हैं। देखिए, आप सोफा चेयर ले तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो हिलेगी नहीं, फिक्स रहेगी। या अगर ये वाली चेयर भी ले तो इस पे कोई वेट रख दे इतना, ताकि आपका भार कभी आप बैलेंस बिगड़े तो संभाल सके। देखिए, हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है, तो गिर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप नए हैं और कर रहे हैं, और आपका घुटना पहले इंजर्ड है इसीलिए आप कर रहे हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चेयर रख लीजिए, उसको ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, अब आप अपने पांव को पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए। देखिए, पूरी बॉडी तिरछी हो जाना चाहिए, इतना पीछे ले जाना है आपको। फिर फ्रंट ले आइए, साइड, जितना ले जाया जा सके, जितना कंफर्टेबल हो। वापस अपनी जगह, फ्रंट, एक बार फिर देख लीजिए, बैक, साइड, फ्रंट। देखिए, आपका पूरा हैमस्ट्रिंग मसल इससे काम करता है, पूरे यहाँ का आपके मसल्स टाइट होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे नी पे उसकी पकड़ मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, से देख लीजिए आप। देखिए, आप ये पोजीशन भी ले सकते हैं, पहले साइड, फिर बैक, फिर फ्रंट। यही चीज आप अदर लेग से कर लीजिए, बैक, कोई सा भी आपका क्रम हो सकता है, साइड, फ्रंट, बैक, साइड, फ्रंट। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये हाथ आपके फोर फिंगर्स ये जो होते हैं यहाँ पे, जो आपकी जॉ होती है, जो लाइन होती है यहाँ पे, आप इसको रख लीजिए फोर फिंगर्स को अंदर गड़ा के, और फिर आपको बैक जाना है। देखिए, आप यहाँ पे जब फिंगर रख के और पीछे जाएंगे फिंगर्स रख के, अपने आप ही आपको स्ट्रेच महसूस होगा ज्यादा आईज पे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसी को आप वैसे कर लीजिए, यहीं रखिए फिंगर्स आप। देखिए, फ्रंट से देख लीजिए और घुटने को अपने ऊपर उठाइए, जहां आपने फिंगर्स रखी है उसी वाले पांव को ऊपर उठाना है। अब यही सेम पोजीशन दूसरे पांव से कर लीजिए, फिंगर्स यहां जॉइंट पे रखिए और पीछे ले जाइए, फिंगर्स यहीं रहने दीजिए और फ्रंट में ऊपर उठाइए। अब आपको थोड़ा सा आगे के पैर पे लोड लेना है, ऐसे थोड़ा सा घुटना निकालना है और पीछे जाना है। इस पोजीशन में आपको स्टे करना है कम से कम 15 सेकेंड्स। वो जो मैंने क्रियाएं बताई थी आपको, वो 15 टाइम्स करना है, इसमें 15 सेकेंड्स स्टे करना है। दूसरे पांव पे आ जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, थोड़ा सा बेंड करना है नीज को, ज्यादा बेंड नहीं करना है, बस इतना सा, हल्का सा। अब आपको दोनों घुटनों को बेंड करना है, कैसे, दोनों आपकी फिंगर्स यहाँ जॉइंट में रहेंगी, थोड़ा सा पैर खुले रहेंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना है। फिंगर्स रखिए टाइट करके, फिर डाउन, फिर अप। देखिए, नेक्स्ट दोनों पांव को ऐसे रख लीजिए और देखिए इस पैर को थोड़ा सा बेंड करके ये हाथ को यहाँ पे टच कीजिए, इसमें स्टे कीजिए आप 15 सेकेंड्स कम से कम। देखिए, पांव स्ट्रेट रहेगा, इस पांव का घुटना थोड़ा सा बेंड रहेगा।
अब इसी बात दूसरी साइड से कर लीजिए, ये पांव थोड़ा दूर रहेगा खुला हुआ, इस पांव को थोड़ा सा बेंड करना है घुटने को और इसे यहाँ पे टच करना है हाथ को, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब धीरे से पैर को नेक्स्ट में उठा लीजिए और घुटने को आपको थोड़ा सा मूवमेंट देना है, घुमाने की कोशिश कीजिए राउंड राउंड सर्कल, फिर ऐसे अपोजिट राउंड इस पांव से कर लीजिए। अपोजिट घुमा लीजिए कम से कम 15-15 टाइम्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस दीजिए पंजे पे आके, थोड़ा सा अप कीजिए पंजे पे, देखिए पूरा आपका हैमस्ट्रिंग इससे स्ट्रेच हो रही है, उससे घुटने में बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। पूरा लोड आप चेयर पे दे दीजिए, पैर अप रहेंगे पंजे पे, फिर लेग डाउन एड़ी पे आ जाइए, पंजा ऊपर उठा लीजिए, हाथ आपके इसी पे रहेंगे, बॉडी का लोड चेयर पे रहेगा, फिर इस पे आ जाइए, फिर एड़ी पे आ जाइए। अब आप चेयर पे ही हैं तो एक और देख लीजिए, चेयर पे बैठ के देख लीजिए, ये पांव को मोड़ के आप इसके ऊपर रख लीजिए आराम से, इस पांव को धीरे धीरे हिलाते रहिए, देखिए आप बैठे बैठे कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, धीरे धीरे से शेक करना है पैर को। अब ये पैर को इसके ऊपर रख लीजिए, इस पैर को शेक कीजिए, देखिए लास्ट में मैंने इसलिए बताया कि आप थक जाएंगे, आप चेयर पे बैठ जाइए आराम से और ये बैठे बैठे करते रहिए, आपको रिलैक्स भी महसूस होगा और ये भी एक एक्सरसाइज हो रही है आपके घुटने के लिए, नी पेन के लिए। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है और जो है आप करते रहिए नी पेन के लिए, किसी को अगर घुटने में दर्द है शिकायत है तो ये एक्सरसाइज की वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं, देखते रहिए मेरी चैनल, बने रहिए मेरे साथ। आपको वो तो मैंने बताई है, अगर विटामिन डी कैल्शियम वगैरह की कमी है तो वो सप्लीमेंट लें साथ में और एक्सरसाइज भी करते रहे, उससे जल्दी इफेक्ट पड़ेगा, एक्सरसाइज प्लस सप्लीमेंट, ठीक है, कैल्शियम वगैरह। आज भी मैंने जो मैंने संडे को लड्डू डाले हैं गुड़ के, वो भी बहुत बेस्ट है इन चीज़ों के लिए, घुटने दर्द के लिए, इसके लिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम और फोलिक एसिड सफिशियंट मात्रा में है तो वो आपके ज्वाइंट्स को लचीला बनाएगा प्लस हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।